आज हम उपमा बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए आइए देख लेते हैं। हम एक टमाटर लिया है, कट कर लिया है, एक कटोरी सूजी लिया है, एक गाजर लिया है, धनिया पत्ती लिया है, दो हरी मिर्च लिया है, आधा टुकड़ा अदरक का लिया है, नमक एक चम्मच लिया है, प्याज बारीक कटा हुआ लिया है, सरसों लिया है और करी लीव्स लिया है। ऑन कर लिया, कढ़ाई गैस पे चढ़ा लिया है। अब इसे हम गर्म होने देते हैं। सबसे पहले गर्म हो गया, अब एक चम्मच हमने ऑयल लिया, आप चाहे घी या कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें हम सूजी बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हमें भूनना है, हमें इसे जलाना नहीं है बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसे भूनना है। सूजी भूनने के लिए हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे, लो फ्लेम पे इसे हम भूनना होता है। ये हमारा सूजी से खुशबू अच्छा आने लगा है, हमारा भून भी गया है। अब हम इसे गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। कुछ कर रहे हैं इसे फ्राई करने के लिए, हम एक चम्मच ऑयल डाल देते हैं, सरसों, करी लीव्स, हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सा चला लेते हैं इसे। हो गया फ्राई, इसमें हम एक जो बारीक प्याज काटा था उसे डाल देते हैं, ज्यादा बारीक नहीं काटना था ये, हम इसे भी थोड़ा देर फ्राई करेंगे। इसे हल्का से इसे कलर करना था। अब इसमें हम कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं, इसे भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। एक मिनट हो गया, उसमें हम गाजर भी डाल देते हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल देते हैं ताकि फ्लेवर अच्छा आ जाता है इसे। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं, जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था उसी से हम 4 कटोरी पानी यूज कर रहे हैं। अब इसे हम खोलने के लिए डालेंगे, इसमें उबाल आ जाएगा। नमक डाल देते हैं, 1 चम्मच नमक लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। अब इसमें उबाल आने देते हैं, इसे हम कवर कर देते हैं। अब इसे हम उबाल आने तक कवर कर देते हैं। अब इसमें उबाल आ गया है अच्छे से, अब इसमें हम सूजी डालेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अब फ्लेम को हम लो कर दिए हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर ना निकले, इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। बाकी जो धनिया पत्ता बचा हुआ है इसे भी हम डाल देते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, इसे चलाते रहेंगे। लो फ्लेम मेरा लो ही है बिल्कुल, अगर आप तेज आंच कर देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा कढ़ाई से। ये हमारा उपमा बिल्कुल कढ़ाई से देख रहे अलग हो रहा है। अब हमारा ये हो गया, ठंडा होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएंगे, इसलिए हम इसे गैस को ऑफ कर देते हैं, इसे सर्व करते हैं।
ये हमारा उपमा बनके रेडी है। इसे अचार के साथ सर्व कर, आप चाहे चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।